इधर जैसे ही धनुष टूटा तो महाराज यहाँ पर जो सीले बाजे बंद हो गए थे, जो सीले बाजे बजने लगे और सीता की सहेलियां सीता से बोली अब कोई मुंह लटकाए चलो अब तो टूट गो धनुष उठा। शली सीता मैया आज जयमाला डालने के लिए प्रभु राम के पास चली जा रही है। धीरे धीरे राम के पास में पहुंची तो राम की उम्र ज्यादा रहे और राम के मस्तक तक ना पहुंच पाए। और जब ना पहुंच पाई सीता जी की सहेली प्रभु राम से बोली है प्रभु राम जवाब दिया है प्रभु राम तनक झुक जा। बोली है सहेलिया झुक जाइयो सामने भैया अगर झुकी है तो सारी जिंदगी जो कर रहे सीधे ठाड़े है जा। ससुराल में बहुत जाएगा के सामने झुक गए तो सारी जिंदगी झुकते रहो। राम सीधे खड़े हैं। अब सहेली लक्ष्मण से बोली लक्ष्मण भैया आप ही कछु करो जयमाला परिया है। लक्ष्मण बोले अगर तुमने से कही होती अब लो जयमाला परी होती इतनी देर का लगते। उसी समय लक्ष्मण ने सोची कैसे परे सोच लगे हमारे भैया ने धनुष तोड़ो हमने पाइयों नहीं छुई। लक्ष्मण झुके पैरों की तरफ और सीता इधर खड़ी है। राम ने आशीर्वाद दिया सीता को मौका मिलेगा डाला डाला। आप उड़ाल दो वो ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बोली सीता मैया सुबह कन्यादान होने लगा। कुर्सियां डाल दो और एक थाली रख दो कन्यादान आती जाए माताएं और भाई बंधु करते जाए। हाँ ऊपर डाल दो ऊपर तखत पे राम लक्ष्मण सीता बैठ जाए ऊपर बीच में सीता और राम लक्ष्मण बैठेंगे। इधर जैसे ही धनुष टूटा तो महाराज यहाँ पर जो सीले बाजे बंद हो गए थे, जो सीले बाजे बजने लगे और सीता की सहेलियां सीता से बोली।